जीवी 24 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं तनु तिवारी। आई रुक करते हैं झारखंड की खास खबर। जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री नीलकंठ महादेव संघ सावन की दूसरी सोमवारी के पावन मौके पर श्रद्धालुओं को भक्ति रस की वर्षा से सराबोर करने के लिए भजन संध्या का आयोजन करेगा, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर और लिटिल आर्यन बाबू 9 जुलाई को ओल्ड बाराद्वारी मैदान साक्षी में अपने मधुर स्वर से भक्ति की बयार बहाएंगे। शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में भजन संध्या कार्यक्रम संबंधी जानकारी साझा करते हुए नीलकंठ महादेव संघ के सदस्यों ने बताया कि दूसरी सोमवारी पर भजन संध्या आयोजन का यह 8वां साल है और संघ इस भजन संध्या के सफल आयोजन के लिए सभी सदस्य दृढ़ संकल्पित है। इस बार सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर और बिहार के नन्हे कलाकार लिटिल आर्यन बाबू श्रद्धालुओं को अपने भजनों से झुमाएंगे। साथ ही साथ बर्फ की सिल्ली से निर्मित एक 10 फीट के बाबा बर्फानी भी इस दौरान विराजमान रहेंगे और आकर्षण के केंद्र होंगे। आप लोगों को सबसे पहले जय बोले। आप लोगों को आमंत्रण इसलिए था कि हमारा ये कार्यक्रम दूसरी सोमवारी को 29 जुलाई को जो होने जा रहा है, शहर में प्रचार हमारी गाड़ियों द्वारा हो रही है परंतु आपके द्वारा सुचारू रूप से होगा, इसलिए आपको आमंत्रण था, आप आए, इसके लिए धन्यवाद। हमारा संस्था श्री नीलकंठ महादेव संघ जो सावन की दूसरी सोमवारी को बाबा का विशाल भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारी पूजनीय कृष्णा माता बम जी मुजफ्फरपुर से आ रही है, हमारी मुख्य अतिथि, और कलाकार के रूप में शहनाज अख्तर जी हैं, बाल कलाकार में दिल आर्यन जी हैं। हमारा ये कार्यक्रम 25 से 30 हज़ार लोगों का अनुमानित है कि भंडारा होगा और मुख्य आकर्षण बाबा दरबार जो 10 या 12 फीट का शिवलिंग 16 फीट का बनने का अनुमान है वो, और एक 17 फीट का बाबा का मूर्ति जो बनेगा वो बीच मैदान में शिवलिंग और मूर्ति जो बनेगा वो आकर्षण का केंद्र है, बाकी जो प्रभु। फिलहाल इस खबर में इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे जीबीएन 24।